हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी मैंने एक चप्पल ऑर्डर किया था, तो वो भी मुझे रिसीव हो गया है। ये मैंने बेटी के लिए मंगाया था, तो देखते हैं कैसा आया है। ये देखिए, ये कुछ इस टाइप का समर के लिए मंगाया था मैंने। और एक मैंने शॉर्ट्स मंगाया है जो उसने पहन रखा है, तो ये मंगाया था। और एक मैंने ये वाली टी शर्ट मंगाई, ये वाली। इससे पहले जो लिया था वो थोड़ा सा और लॉन्ग था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों में कलर का फर्क है, वो रेड कलर है, ये ब्लू कलर का मैंने मंगाया। वो मैंने एक्सचेंज कर लिया, मतलब वो वाला मैंने बेटी को दे दिया, उसको ज्यादा पसंद आ रहा था वो वाला, फिर मैंने अपने लिए ये वाला मंगा लिया। ये मुझे ज्यादा कम्फर्टेबल लग रहा, वो मुझे ज्यादा कम्फर्टेबल नहीं लग रहा था। तो ये भी एक मैंने मंगाया है ऑनलाइन, देख सकते हैं। और एक स्लीपर मंगाया है ऑनलाइन, और एक मैंने मंगाया है बेटी के लिए निक्कर शॉर्ट्स जो होते हैं ना, जो ड्रेसेस के नीचे पहने जाते हैं, वन पीस के नीचे पहने जाते हैं, वो वाला मंगाया है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि मैं बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। तो अभी मैंने चाय रख दिया है, लड्डू गोपाल को विश्राम करा दिया था मैंने दोपहर में। अब शाम के 5 बज गए हैं, तो मैं उनको उठा देती हूँ। और यहाँ की नस में ना बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है, वो कैमरे में आपको दिख नहीं रहा क्योंकि ऑपरेशन हुआ है ना, तो वो नज़र नहीं आएगा आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। एक तो गर्मी, ऊपर से बहुत ज़्यादा पेनफुल है। तो चाय बना रही हूँ मैं लड्डू गोपाल के लिए और अपने लिए। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय। तो बहुत टाइम के बाद ना मैंने ये फ्राई पैन का सेट मंगाया है, एक ये है और नॉन स्टिक ओरिजिनल मंगाया है मैंने, ऑनलाइन मंगाया है अमेजोन से। और एक अभी धुलने के लिए रखा है, तो ये मैंने दो फ्राई पैन मंगाया है, 1800 के आसपास का मंगाया है मैंने सेट। पहले मैं पानी पिला दूं लड्डू गोपाल को। गर्मी है, उनको भी प्यास लगती है। चलो फटाफट चाय छान लेती हूँ, उसके बाद जो है सब्जी छोक देती हूँ। सब्जी गर्मियों में ना मैं थोड़ा जल्दी बना देती हूँ। अब 5:30 हो रहा है, मैं सब्जी छोक दूंगी, बाकी काम ना धीरे धीरे होता रहेगा, आटा रोटी जो भी है। सब्जी छौक के उसके बाद मैं पूजा करने जाऊंगी, फिर बाकी काम करूंगी। तुम्हें चाय चाहिए? कांची को पूछ रही हूँ। बहुत टाइम से मेरा जो है ना तवा खराब हो रखा था, इस बहुत मतलब 6 महीने हो गए मेरा तवा खराब हुए, अब जाके मैंने फ्राई पैन लिया है। सोचो मेरे घर में सारे बेकार काम सारे पहले हो जाते हैं, लेकिन जरूरत के काम कभी भी पहले नहीं होते हैं। बहुत गर्मी लग रही है, फटाफट सब्जी छोक दो, इसके बाद बेटे को चाय पिलाओ। और सब्जी बना रही हूँ मैं तोरई की, बेटे की चाय में दूध डाल दूँ, क्योंकि बेटे को मैं चाय नहीं देती, दूध मिक्स करके ही देती हूँ। तो ये चाय जो है हमारे लड्डू गोपाल का है, ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो रात को मेरा मिठाई खाने का मन कर रहा था, तो ब्लिंकिट से मैंने ये मैसूर पार्क मंगाया है, और ये मेरा मतलब बहुत पसंदीदा मिठाई है। और ये 200 रुपए का सिर्फ, और इसमें इतू सा डब्बा होता है, इसमें 4 पीस आते हैं, 200 रुपए के 4 पीस। लेकिन मुझे जब मन कर जाता ना मैसूर पार्क खाने के लिए, तो फिर मैं मंगा लेती हूँ ऑर्डर करके, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मैसूर पाक, हर मिठाई से भी ज़्यादा पसंद है। ये चाय रख देती हूँ ठंडा होने के लिए।
तो मिंत्रा से भी मैंने कुछ ऑर्डर किया था, वो भी मेरा भी थोड़ी देर में आने वाला है, तो वेट करती हूँ फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें मैंने लिया था काफ़ी टाइम पहले, लेकिन जो है ना मैं अब वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ इन सब चीज़ों से रिलेटेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की ना हाई लगती है, नज़र लगती है। हालांकि हम इतना कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी लोगों की हाई और नज़र ने ना खा रखा है हम लोगों के पूरा परिवार को। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है इधर बीच, कुछ भी इतना ज़्यादा मैं डिस्टर्ब होना, मेंटली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब, इतना ज़्यादा मैं परेशान होना कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि चीज़ें होती है, लेकिन होते होते ना बहुत ज़्यादा लिमिट में हो जाती है। तेल ज़्यादा गिर गया बातों बातों में, क्या करूँ, निकाल लेती हूँ, बहुत ज़्यादा तेल गिर गया, ध्यान ही नहीं दिया मैंने, किसी न किसी चीज के काम ही आ जाएगा। गर्मी में ना ज्यादा तेल भी, कटोरी भर के ज्यादा तेल है। कौन आया इस टाइम, बच्चे थे बुलाने आए थे बेटे को खेलने के लिए, फटाफट मैं तड़का लगा दूं। और गर्मी में ना रात को काम करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, क्योंकि हस्बैंड जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि रात को खाना नहीं बनाना है, उनके आने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। अब तो बिना एसी का ना बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन मैं नहीं बोलूँगी कि तुम एसी ठीक करवाओ, क्योंकि मेरे कुछ भी बोलने से ना वो बुरा मान जाते हैं कि मैंने क्यों बोला, उनका जो मर्जी आए करे, क्योंकि मैंने अब ना उनको एकदम फ्री छोड़ दिया है। औरत कितनी भी बुरी हो ना, एक मिनट, तो मैं यही कह रही थी कि औरत कितनी भी बुरी हो, लेकिन अपने पति का बुरा कभी नहीं चाहेगी। अपने पति जो भी कुछ कहती है ना, वो उसके पति, अपने पति के अच्छे के लिए कहती है, लेकिन कुछ नहीं समझ में आता कुछ लोगों को। पहले समझ में आ गया था चीजें, तो चीजें सही हो रही थी, अब चीजें नहीं समझ में आ रही तो चीजें बुरी हो रही है। लो एक मिनट गाइस, गुड इवनिंग। तो मैंने नहा भी लिया और साथ में पूजा कर लिया, पूजा करने के बाद मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए, घर के कपड़ों में आ गई हूँ। क्या लगा है, हाँ तो नहा भी लिया, पूजा भी कर लिया और घर के कपड़ों में आ गई हूँ। तो जो मेरी ड्रेस आने वाली थी वो आ गई है, और ये बहुत ज़्यादा प्रिटी है गाइस, इट्स लाइक क्या मैं बोलूँ आपको, इट्स लाइक ये देख सकते हो, ये है इसका कोटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। ये इसकी स्लीव्स है, और स्लीव्स पे पट्टी लगी हुई है इस तरीके से, और इस नेट की क्वालिटी देखो आप गाइस, ये ऐसा नॉर्मल जो नेट होता है ना वो नहीं है। मैं अभी आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। तो ये है वो कोटी, और इसमें आप देखिए नेट लगा हुआ है, पूरे कोटी में नेट लगा हुआ है वाइट कलर का, ये देखिए, और ये वाइट नहीं है, ऑफ वाइट है। और अब आप ये देखिए कि ये नॉर्मल जो नेट आता है ना, ये वो नहीं है, इसकी आप कढ़ाई और बुनाई देखिए, कितना ज़्यादा सुंदर इसका कपड़ा। एक्चुअल में ये कोटी है, और इसकी स्लीव्स जो है ना मेरे को बड़ी पसंद आई है, ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कितनी बढ़िया कारीगरी है। और पूरे कोटी में जो है ना जाली लगी हुई है, एक अस्तर के तौर पर इन्होंने जाली दिया है, और नीचे देखिए इस तरीके से, जब मैं वेयर करूँगी ना तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है।
ये बहुत प्रिटी कोटी है, देखिए थोड़ा सा महंगा है, लेकिन प्राइस मैं यहाँ पे शो नहीं करूँगी क्योंकि मैंने बस आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। बस आप ये देख लो, और ये मैंने मंगाया है मिंत्रा से, ये देखिए ये बहुत प्रिटी है। और सेकेंड वन मैंने एक और मंगाया है, ये देखिए गाइस, ओ माय गॉड, आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, ये देखिए, मतलब इसकी ये जो छोटे छोटे स्टोन लगे हुए ना, ये बहुत प्रिटी लग रहा है। और ये नॉर्मल नहीं है, ये क्रूसिया का बना हुआ है, ऊन से या फिर क्रूसिया, हाँ क्रूसिया का ये पूरा टॉप बना हुआ है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे ये जो लटक रहा है ना, ये देखिए, ये एक सैंडो ही इतना महंगा आया है ना कि मैं क्या बोलूँ, ये बहुत ही ज़्यादा मेरे को प्रिटी लग रहा था, प्रिटी वन, ये देखिए। तो एक मैंने ये मंगाया है अपने लिए और अपने पैसों से, तो फाइनली आ गया, रिसीव हो गया है, दिख रहे हैं। आजकल मेरे को ना बड़ा शौक़ चढ़ा है फैशन का, तो इसलिए मैं थोड़ा अलग अलग फ़ैशन ट्राई कर रही हूँ, और ऐसे मैंने कई सारे मंगा लिए हैं, और कुछ मैंने जो है ना उससे भी लिया था पिछली बार जो मैंने बताया था, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है आफ्टर वेयरिंग ना, जब मैं स्टाइल करूँगी तो बहुत सुंदर लगेगा। ये वाला कोटी भी बहुत सुंदर है गाइस, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। तो कैसा लगा आप लोगों को, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इस वीडियो का, ये थोड़ा सा ना वाइट रहता तो और भी ज़्यादा खिल कर आता, क्योंकि मैंने अभी रिसेंट में एक सैंडो लिया था वाइट कलर का, तो उसके साथ ये ना बहुत सुंदर जाता, लेकिन क्या कर सकते हैं, है ना। तो जब मैं स्टाइल करूँगी किसी न किसी के साथ तो आप लोगों को मैं दिखा दूँगी। तो ये आ गया मेरा, अभी खाना बन गया है, सब्जी बन गई है, बस चावल बनना है, और खाना सब्जी चावल बस मैं और बच्चे एक खाएंगे, और कोई नहीं खाएगा, मतलब कोई मीन्स, अब आप समझ जाओ, क्योंकि देखो, चलो गाइस अब मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। मैं भोग के लिए ना जलेबियाँ लेकर आई थी लड्डू गोपाल के लिए, खा लेती हूँ मैं, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियोज़ में, बाय बाय।